कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन, कार्बन का सूत्र होता है हमारा संकेत सी, कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। और साड़ी के फोर्थ ए समूह में रखा गया है, जैसे 14 समूह भी होते हैं आईपीएसी के अनुसार, 14 समूह है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, C6H12, C6H14 और C6H16। ये इसका रेडियो एक्टिव कार्बन रहता है, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो कार्बन। इसका उपयोग जीवाश्मों की अर्धायु ज्ञात करने में तब किया जाता है। C60 ये फुटबॉल जैसे आकृति का होता है, फुलोदीन को कहते हैं, फुलोदीन, और ये स्थाई समस्थानिक है इसका, ये समस्थानिक है, वो स्थाई समस्थानिक है इसका C6H12, स्थाई समस्थानिक। समस्थानिक तो से ये क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कार्बन, इस अध्याय में हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। कार्बन हमारे लिए आवश्यकता क्या पड़ती है, कार्बन की हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमारा भोजन है, वस्त्र हैं, प्लास्टिक हैं, कुर्सी हैं, मार्कर हैं, पेन हैं, कागज हैं, चारों तरफ दवाइयाँ हैं, भोजन है, ये सारे पदार्थ कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों के लिए, तो इसे कार्बनिक यौगिकों का इतनी अधिक उपलब्धता है, तो ये कार्बन के बारे में हम उसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता, अन्य तत्वों के अपेक्षा इसके अधिक यौगिक क्यों है, हमें हमारे चारों तरफ अपने कार्बनिक यौगिक ही प्रतीत होती दिखाई देती है। हम प्लास्टिक देखते हैं, प्लास्टिक का बहुत उपयोग हो रहा है, पॉलीथीन है, चलो अभी कोई भी वाहन है वो भी अभी प्लास्टिक का इतना उपयोग होता है, तो प्लास्टिक के यौगिक का, तो ये सब कार्बन के ही यौगिक रहते हैं, सभी चीज़ें वो कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 4, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 4, संयोजकता, संयोजित होने की क्षमता, क्षमता है इसकी 4। तो कार्बन द्रव्यमान संख्या इसकी 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी होगी 6, कार्बन परमाणु की संख्या, प्रोटोनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 6। इसलिए अगर हम संरचना बनाए हैं तो नाभिक में 6 प्रोटॉन रहते हैं और 6 न्यूट्रॉन, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन के कोश और दूसरा एल कोश, तो एल कोश में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो इसके पायथन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इसकी संयोजकता 4 होती है। अष्टक, अष्टक नियम के अनुसार इसके पराली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन किसी यौगिक का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हमारे जो कार्बन है इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अगर कार्बन में 4 परमाणु इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहर कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करेगा, एक योग दूसरे से संयोग करेगा, ये दूसरा योग और ये तीसरा योग, तो कार्बन के अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और हाइड्रोजन अक्रिय ऐसी संरचना, हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करता है, हीलियम की संरचना प्राप्त हो जाती है, इसके बाहर तो कुछ में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये साझेदारी, साझे का योग है, इसे हम एक रेखा द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो इन्हें हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो कार्बन के सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है 4, और कार्बन सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक रहेगा, 4 संयोजकता होती है। कार्बन की ये विशेषता है कि यह इन 4 बंधों को अलग अलग परमाणुओं से भी बना सकता है और एक अलग अलग डबल बॉन्ड भी बना सकता है ये, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन की कार्बन से जुड़ने की प्रचुर बहुत अधिक मात्रा में आपस में जुड़ सकती है, ये इसकी विशेषता है। इसे हम गुण को बोलते हैं श्रृंखला गुण, श्रृंखला कैटिनेशन, श्रृंखला, तो इसमें से एक श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है। दूसरा, कार्बन कार्बन जो बंध है ये अधिक मजबूत होता है, प्रबल होता है, इसके कारण ये बंध नहीं टूटता आसानी से,
तो इसमें संकलित होने का गुण पाया जाता है, इसके कारण इसके योगों की संख्या भी सर्वाधिक होती है। कारण के योगों की अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कारण के योगों की संख्या सर्वाधिक क्यों है, तो कारण के योगों की सर्वाधिक संख्या होने का कारण इसका संकलित होना है। इसके बाद यह आपस में बहुत अधिक संख्या में कारण कारण से परस्पर जुड़ सकता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध के अलावा कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बंध। इनमें से यदि कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध बनाता है तो ऐसी संरचना को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे ऐसी स्थिति। और अगर द्विबंध और त्रिबंध बनाता है तब हम इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन का जो सबसे पहला एक कार्बन वाला जो यौगिक है इसे हम मैथेन भी बोलते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। दलदल वाले स्थानों पर ये गैस पाई जाती है, मार्स मीन्स दलदल ही होता है। आंतों में हमारी जो गैस बनती है वो भी मैथेन ही होती है मुख्य रूप से। अब इन वाहनों के लिए हम सुनते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मुख्य अवयव मैथेन होता है, CH4 होता है, CH4 पाया जाता है इसमें CH4। इसकी जगह हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं कार्बन द्वारा, तो सी से इस तरह से दूसरा सी जोड़ दिया कार्बन की संख्या कंप्लीट ही रहेंगी, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा सदस्य बन जाएगा, दो कार्बन वाला सदस्य। ये प्रथम सदस्य था तो ये द्वितीय सदस्य। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित कर देते हैं हमारा ये सदस्य प्राप्त होगा हमें ये तीसरा सदस्य होगा। यदि हम इन्हें अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं कंडेंस करके तो ये बनेगा हमारा CH4। दूसरा क्या बन जाएगा हमारा C2H6। तीसरा क्या बनेगा C3H8। अब इससे अनुमान लगा सकते हो सीख सकते हो कि जितने कार्बन हैं उसके दो गुने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन, इसमें 3 × 2 = 6 + 2 = 8 हो गए। और नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा C4H10। अब मान लीजिए गैस कीजिए फिफ्थ वाला क्या रहेगा C5H10 + 2 तो C12। इनमें भी हम C और H के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारा संबंध क्या ज्ञात होगा कि इसके लिए सामान्य C जितना नंबर था वहाँ कार्बन की संख्या जितनी थी CN N नंबर था, तो H कितना नंबर था 2N + 2 उसके दो में से दो ज़्यादा थे। तो ये सब श्रेणी को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसे हम एल्केन कहते हैं एल्केन। तो एल्केन का सामान्य जो सूत्र होगा CnH2n + 2 होगा। तो इस श्रेणी में एक श्रेणी बनती जा रही है इसमें एक निश्चित अंतर है। देखिए यहाँ पर कितना अंतर है C1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ कितना अंतर है CH2, यहाँ कितना अंतर है CH2 और यहाँ पर CH2, आगे भी कितना अंतर रहेगा CH2 का। तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी से बोला जाएगा सजातीय श्रेणी, कार्बन के यौगिकों की ऐसी श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोग सीरीज सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। सजाती श्रेणी एल्केन की सजाती श्रेणी का सामान्य सूत्र एल्केन, एल्केन की सजाती श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो सजाती श्रेणी क्या विशेषता होती है कि ये इनमें समान अवयव होते हैं, क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है। CH2 जब बढ़ जाता है तो इनका अणुभार बढ़ जाएगा, अणुभार बढ़ जाएगा तो इनके गलनांक क्वथनांक ये परिवर्तित हो जाएगी बढ़ जाती है, तो ये इसकी विशेषताएं रहेगी। तो ये कार्बनिक यौगिक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। अब मान लीजिए हम द्विबंध वाले देखते हैं तो द्विबंध में सबसे पहला सदस्य हमारा सी ये होना चाहिए, हाइड्रोजन से
बैलेंस कर सकते हैं इसी से। और सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सी टू एच फोर। यदि हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तब क्या रहेगा, एच एच सी डबल बॉन्ड सी एच। कार्बन कितने हैं, थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सी फोर एच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सी टू सी फोर एच एट, सी फोर एच एट। ऐसे ही हम आगे नाम लगा सकते हो, सी थ्री अगर थ्री मेंबर होते तो क्या रहता हमारा, सी थ्री एच सिक्स, सी फोर एच एट, सी फाइव एच टेन। ये भी एक सजाती श्रेणी बन जाएगी। फिर हमारा सदस्य में अंतर क्या रहेगा, सी एच टू, सी एच टू का अंतर रहता है। तो ऐसी श्रेणी को हम बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे हम इसे, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र रहेगा सी एन एच टू एन। नीचे क्या हम इसे ऑर्गेनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसे डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, द्विबंध बोलते हैं। तो जहाँ द्विबंध पाया जाता है उनका सामान्य सूत्र रहता है सी एन एच टू एन। इसी प्रकार से सजातीय श्रेणी तृतीय जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्काइन कहेंगे। एल्काइन, एल्काइन, असल तत्व में ही आएगा। एल्काइन में क्या रहता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी जरूर होता है एल्काइन के लिए। इनका सामान्य सूत्र बनता है सी एन एच टू एन माइनस टू। यदि हम एन की वैल्यू बॉन्ड नहीं ले रहे तो क्या बनेगा, सी वन एच टू इन टू वन माइनस टू। ये क्या कहेंगे, ऑनली सी, तो सी तत्व तो होता है तो पहला सदस्य तो इसका होगा ही। एन एच बॉल टू टू रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, सी टू एच टू इन टू टू माइनस टू। क्या होना, सी टू एच टू। तो इस श्रेणी का प्रथम सदस्य सी टू एच टू होता है। सी टू एच टू इसी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनती है, इसे एथाइन या एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है, एथाइन। इसका प्रचलित नाम एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो इस तरह से हमने कार्बोनिक यौगिक को सिंगल बॉन्ड वाले कार्बोनिक यौगिक जितने भी होते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम एल्कीन। और सामान्य सूत्र था इनका सी एल एच टू एन प्लस टू। और जिनमें सी डबल बॉन्ड सी रहता है उन्हें बोलते हैं हम एल्कीन। असंतप्त यौगिक होंगे, अनसैचुरेटेड। इनका सामान्य फॉर्मूला क्या था हमारा, जनरल फॉर्मूला सी एल एच टू एन। जिनमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है उन्हें बोलते हैं एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या रहेगा हमारा, सी एन एच टू एन माइनस टू। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। कार्बनिक यौगिक से ऐसे जो यौगिक बनाते हैं इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि यह कार्बन कार्बन परस्पर बहुत अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं, बहुलक बना सकते हैं। और इन्हें संतृप्त और असंतप्त दो भागों में बांट दिया गया है। संतप्त वालों में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड पाए जाते हैं, और असंतप्त में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। संतप्त वालों को हम एल्कीन कहेंगे और द्विबंध वालों को एल्कीन और त्रिबंध वालों को हम एल्काइन कहते हैं। इस तरह से हमने इनका वर्गीकरण किया और ये सजातीय श्रेणी थी। यदि हम सजातीय इन श्रेणियों में किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो परमाणुओं का वह समूह इसके रासायनिक गुणों को निर्धारित कर देता है और श्रेणी के सभी सदस्यों के जो गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, वो उसके कारण, उस समूह के कारण लगभग समान हो जाते हैं। ऐसे समूह को प्रकार्यात्मक समूह, हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह लिखा जाता है। जैसे इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह। जैसे ट्रेन का ट्रेन है तो ट्रेन में जो इंजन है वो उसके गुणों को निर्धारित करता है, अकेले डिब्बे नहीं है उसके लिए। तो इसी तरह से कार्बनिक यौगिकों में भी कुछ परमाणुओं का जो समूह है उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उस समूह को ही हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूहों में अभी जैसे एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हमारा क्रियात्मक समूह रहेगा OH।
एल पोल में हमारा उसके लिए ओ एच समूह हो जाए, किसी हाइड्रोजन परमाणु को हमने ओ एच से प्रतिस्थापित कर दिया है, तब वो यौगिक हमारा कहलाएगा एल्कोहल कहते हैं, उसे एल्कोहल वाला समूह कहलाता है। और अच्छा इन श्रेणी के पहले कुछ सदस्यों के नाम भी लिख देते क्योंकि हमें अगर आई पी सी में अभी जरूरत पड़ती है इनकी, तो कुछ सदस्यों का पहले नाम जान लेते हैं उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को जानते हैं। तो अगर हमारा एक कार्बन होता है तो कितने हाइड्रोजन जुड़े थे, चार, इसका नाम मैथिन, मैथिन एम ई टी एच मैथिन। दो कार्बन वाला सदस्य कौन सा था हमारा, एथिन। जो आई पी सी नियम दिखते हैं तो मोस्टली हमें हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही आवश्यकता रहती है, जैसे तो एथिन ई टी एच सी थ्री एच एट प्रोपेन, तीन कार्बन वाले का प्रोपेन, सी फोर एच टेन ब्यूटेन, हिंदी कुछ नहीं होती उनका ये प्रोनाउंसिएशन होता है ब्यूटेन, और सी फाइव एच ट्वेल्व पेंटेन, ये थोड़ा जरूरी याद होने चाहिए। जब हम जितने भी नेम लिखेंगे इनके आई पी सी नेम उनमें हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका जो रूट नेम है वो इसके अनुसार ही लिखा जाएगा, सी सिक्स एच फोर्टीन हेक्स, ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के नेम्स रहेंगे। और इन्हें कार्बनिक यदि किसी कार्बनिक यौगिकों में चार कार्बन आ जाते हैं उसकी संख्या तो हम उसे बोल देंगे ब्यूटेन, उसका रूट नेम जो मूल नाम होगा वो ब्यूटेन रहेगा, पांच है तो पेंटेन रहेगा, दो है तो एथिन रहेगा, छः है तो हेक्सेन रहेगा, इस तरह से हम इनके आई पी सी नेम लिखेंगे। इनमें से अगर किसी हाइड्रोजन परमाणु को जैसे ओ एच समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो अभी सी एच फोर का क्या हो जाएगा, सी एच थ्री ओ एच, सी एच फोर के स्थान पर एक हाइड्रोजन को हमने ओ एच से, सी टू एच सिक्स एच फाइव ओ एच, सी थ्री एच सेवन ओ एच, सी फोर एच नाइन ओ एच। तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को इस ओ एच समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो ये ओ एच समूह है वो हमारा प्रकार्यात्मक समूह कहलाएगा, इसे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहेंगे, ये रासायनिक गुणों को निर्धारित करेगा। तो ये भी एक सजातीय श्रेणी बनेगी, इस सजातीय श्रेणी को क्योंकि ओ एच समूह जिन यौगिकों में उपस्थित होता है एल्कोहल कहते हैं, तो ये एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी होगी। तो एक कार्बन है इसके अंदर तो हम इसे मैथेन, मैथेन को मैथेन में से ई हटा देंगे और ओ एच अगले रूट्स को जानेंगे, ओ एच आता है तो ओ एल जो होगा इसका किसी नेम हो जाएगा मैथेनॉल, इसका ई हटा के रिप्लेस करना है ओमिनेट कर देंगे ओ एल जो एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल हेक्सेनॉल, ऐसे इनके हम नेम्स लिखेंगे। इस तरह से हमें अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पता लगा होगा, कार्बन सहसंयोजी यौगिक है और सहसे द्विबंध बनाता है या एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है, और इसे इसमें परस्पर संकलित होने का गुण पाया जाता है इसलिए इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, और ये एकल बंध द्विबंध त्रिबंध भी बना सकता है। एकल बंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और द्विबंध और त्रिबंध वालों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नेम एल के गुणों का सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र का हमारा सी एन एच टू एन प्लस टू, और एल्कीन इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसे सी एम एच टू एन से लिखते हैं, और एल्काइन एल्काइन जो होते हैं उनमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, इनका सामान्य सूत्र सी एन एच टू एन माइनस टू होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य मैथिन होता है, एल्कीन का एथीन सी टू एच टू सी टू एच फोर, और एल्काइन श्रेणी का एथाइन होता है जैसे बोलते हैं सी टू एच, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया। इन यौगिकों को एल्केन की श्रेणी को हमें याद रखना है क्योंकि इनके रूप नेम से ही हम निर्धारित करेंगे क्या आई पी सी नेम,
वन कार्बन वाले को मैथेन, दो को एथेन, थ्री प्रोपेन, फोर ब्यूटेन, फाइव पेंटेन और सिक्स हेक्सेन। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमें अगर हम किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके अन्य परमाणु रख देते हैं, जोड़ दिया था, विस्थापन कर दिया था उसका, तो वो जो समूह है वो इसके गुणों को परिवर्तित करता है। और रासायनिक गुण जो परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक गुणों को निर्धारित जो करता है, यही समूह के परमाणुओं को कहलाता है प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए बताया एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह से, OH वाले समूह से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये सारे यौगिक हमें एल्कोहल कहलाएंगे। और ये भी सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इससे आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।